अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम हिंदी का मैं और मेरा व्याकरण बुक्स करने जा रहे हैं, जिसका हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, शब्द और वाक्य। बच्चों, आप चित्र देखिए। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है ना बेटा, इस पिक्चर को देखिए, उसके साथ आए वाक्य को पढ़िए। इसमें दो वाक्य दिए गए हैं ना बेटा, कि एक गर्ल बोल रही है, राहुल यह किताब, यह मेरी किताब है, यह लो दीदी। तो अब इसको पढ़ते हैं। इसमें राहुल किताब, दीदी आदि में आए ध्वनियों को पढ़कर समझिए। राहुल, र प्लस आ प्लस ह प्लस उ प्लस ल प्लस अ, राहुल। इसी तरह किताब, क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ। ये ध्वनियाँ या वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं, बन गए हैं। राहुल किताब और दीदी भी शब्द हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बन सकते। अब देखिए बेटा, जैसे बगुला एक नाम है, लेकिन बाला ग ब ब ब ये कोई नेम नहीं है ना। तो इसी तरह केवल अगर हम वर्णों को मिला दें तो ध्वनि नहीं बन सकती, शब्द नहीं बन सकते। अब जो पीछे दिया गया था, ब्लागू, जायर, ये कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है बेटा। यदि हम किन्हीं वर्णों का सार्थक मेल करें, अर्थात मतलब उन वर्णों को बेटा सही क्रम में लगाएं और उनका मीनिंग हो, तभी वो शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, गु प्लस ला प्लस ब गुलाब, र प्लस जा प्लस ई रजाई। तो ये सब, ये दोनों शब्द हैं, क्योंकि इनका मीनिंग है कि गुलाब कहने से हमें एक फूल और रजाई कहने से एक वस्तु का चित्र हमारे सामने आता है, कि हमें पता चलता है ना कि गुलाब तो एक रेड कलर का फ्लावर, हमें पता चल जाता है कि इसके बारे में बात हो रही है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब वाक्य देखिए बेटा, टीना साइकिल चला है सड़क। ये कोई सेंटेंस नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा। यह सही वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों का सही मेल नहीं कराया गया है। अब इस वाक्य का सही रूप देखिए, टीना सड़क पर साइकिल चला रही है। तो इससे हमें पता चलता है ना कि एक लड़की है जो कि रोड पे, सड़क पे साइकिल चला रही है। तो इससे मीनिंग क्लियर हुआ ना बेटा। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा तरह तरह के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, शब्द और वाक्य। ठीक है बेटा, तो आज आप इसी की रीडिंग करेंगे ओके बेटे, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।